कल का दिन ऐतिहासिक दिन था। वैसे दिन साधारण से घट जाते हैं, लोग याद नहीं रखते, लोग भूल जाते हैं, लेकिन कल का दिन ऐतिहासिक था जब 21 जून को भारत के प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रांगण में अपनी संस्कृति से जुड़ा, अपनी विधा योगा को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया में जब मनाया जा रहा था तो उसका नेतृत्व न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। और ये भारत की विधा, भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ योग, इसको दुनिया में प्रसारित करने का काम, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाने का काम और मनाने का काम और इसका नेतृत्व करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, पिछले कल वो दुनिया के टॉप सीईओ के साथ मिल रहे थे, और जब हम टॉप सीईओ की बात करते हैं तो नोबेल प्राइज विनर पॉल रोमर ने कहा कि वो दिन अच्छा होता है जिस दिन हम कुछ नई चीज सीखते हैं। आज मैं मोदी जी से मिला हूं और मैंने जाना कि किस तरीके से मोदी जी ने आधार को भारत के विकास का आधार बना दिया है। इस बात को उन्होंने बताने का प्रयास किया। उसी तरीके से अगर हम कहें तो एलन मस्क ने कहा, आई एम मोदीज फैन, मैं मोदी का प्रशंसक हूं। कौन कह रहा है? दुनिया के टॉप सीईओ, दुनिया के टॉप बिजनेसमैन, और जिसको हम कहते हैं कि दुनिया में आर्थिक जगत में लीड करने वाले लोग, वह कहते हैं कि हम मोदी के प्रशंसक हैं। इसलिए आज बदलता भारत, आज बदलती तस्वीर, यह हम सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अभी अभी वो ऑस्ट्रेलिया गए थे, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा, मोदी यू आर दी बॉस। एलन मस्क बोलते हैं, आई एम फैन ऑफ मोदी। कोई कहता है ग्लोबल लीडर, कोई कहता है मोदी यू आर दी हीरो, कोई कहता है मोदी यू आर दी रिफॉर्मर इन चीफ, बदलाव के आप चीफ हो, बदलाव लाने वाले आप अकेले नेता हो, ये दुनिया बोलती है। कोई बोलता है महान देशभक्त। ये दुनिया में मोदी जी को अलंकृत करके दुनिया में मोदी जी के बारे में प्रशंसा होती है, लेकिन जिसे दुनिया प्रशंसा करती है, जिसे दुनिया प्रशंसा करती है, उसे हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे कांग्रेस भाइयों को मोदी जी की प्रशंसा, देश की प्रशंसा भाती नहीं है। और वो जब लोग बोल रहे हैं मोदी यू आर दी बॉस, यू आर दी हीरो, यू आर दी रिफॉर्मर, महान देशभक्त, तो हमारे कांग्रेस के लोगों के अल्फाज होते हैं, मोदी सांप जैसा है, मोदी बिच्छू जैसा है, मोदी अनपढ़ है, मोदी चाय बेचने वाला है, ये क्या प्रधानमंत्री चलाएगा, इसके पास डिग्री नहीं है। दुनिया मोदी जी की प्रशंसा करती है, लेकिन कांग्रेस के लोग उनको सांप, बिच्छू, अनपढ़, चाय वाला, नीच, ऐसे शब्दों से संबोधन करते हैं। लेकिन ये उनको मालूम नहीं है कि जितने वो शब्द इस प्रकार के लेते हैं, उतनी ही मोदी जी की छवि दुनिया में और देश में बढ़ करके आगे आती है और वो सेवा में जुटते हैं। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।